पालिका कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर करनाल नगर निगम कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना दिया। कर्मचारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा ठेकेदारी प्रथा पर लगाए गए कर्मचारियों को रोल पर लगाने का जो फैसला लिया गया है, प्रशासनिक अधिकारी उनको लगाने में आनाकानी कर रहे हैं। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासनिक अधिकारी उनकी मांगों को पूरा नहीं करते तो वह यह धरना आगे बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर फिर भी प्रशासन ने हमारी बात अनसुनी कर दी तो हम भूख हड़ताल पर भी बैठ सकते हैं। नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा इस अवसर पर मांग की गई कि सरकार द्वारा मानी गई मांगों को तुरंत लागू किया जाए, अन्यथा सरकार को कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नगरपालिका कर्मचारी संघ के जुड़े पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। नगरपालिका कर्मचारी संघ का जो फैसला था, जो 30 अगस्त को सरकार द्वारा जो समझौता नगरपालिका कर्मचारी संघ का हुआ और उसमें एक लेटर जारी किया गया जो ठेका प्रथा समाप्त करके महकमे के रोल पर करने की बात कही है सरकार ने, लेकिन प्रशासन उसमें कुछ हेराफेरी, कुछ आनाकानी करने की कोशिश कर रहा है। हमने 21 नवंबर को इनको एक नोटिस दिया था भाई, बातचीत के लिए भाई, या तो बातचीत करके इस मसले का हल करें, अन्यथा फिर आप आंदोलन का रूप धारण करें। किस तरह में हमने पहले दिन भाई गेट मीटिंग, 3 दिन की गेट मीटिंग रहेगी, उसके बाद फिर शहर में झाड़ू प्रदर्शन रहेगा, फिर उसके बाद आगामी प्रोग्राम धरने का भी रहेगा, उसके बाद फिर हम लास्ट का जो प्रोग्राम है, हमने मजबूरन हड़ताल पर जाना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी यहाँ करनाल प्रशासन की होगी। क्या मामला है पूरा? मामला सरकार ने जो ठेका प्रथा बंद करके महकमे के रोल पर जो ठेके के कर्मचारी वो किया है, लेकिन सरकार प्रशासन उसमें करना नहीं चाहता। हम मांग करते हैं प्रशासन से भाई, इनको जो सरकार के लेटर के माध्यम से इनको जो 24 मई का जो समझौता हुआ है इसमें 2018 में, उसी को देखते हुए इनको ठेके के कर्मचारी को रोल पर करें और इनको महकमे के थ्रू जो सैलरी है जो इनका बनता है तो वो दें प्रशासन। अगर ऐसा नहीं करता प्रशासन तो लास्ट का हथियार हमारा हड़ताल का है, तमाम कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे, चाहे वो ठेके का कर्मचारी है, चाहे वो रोल का, चाहे वो पक्का कर्मचारी है, चाहे वो बिजली का, किसी भी तरीके का कर्मचारी है, सारा का सारा हड़ताल पर जाएगा और इसकी जिम्मेदारी यहाँ के निगम प्रशासन की होगी। क्या कहते हैं प्रशासनिक अधिकारी? प्रशासन कहता है कि मैन पावर की बात करता है, कहीं कहता है आउटसोर्सिंग की बात करता है, और जबकि सरकार ने सीधा सीधा खोला हुआ है, जब 24 मई के समझौते को माना गया तब ये तमाम कर्मचारी प्रदेश का मैन पावर के ऊपर था, उसको ये मानते नहीं। ये कहते भाई हमने सरकार से कुछ जानकारियां ली हैं, अभी 3 महीने हो गए इनसे बातचीत करते हुए और आज तक इनका कोई मतलब बातचीत नहीं हुई, कोई सरकार का ऊपर से जवाब नहीं आया। हम कहते हैं उसी लेटर पे काम करें और ठेका प्रथा बंद करके कर्मचारियों को रोल पर करें। कितनी देर का प्रदर्शन आज? अभी करेंगे 2-2.5 घंटे तो करेंगे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।